गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज क्या मैं पिछले दो तीन दिन से केरला में हूँ। सो मैं अपना गांव आ गया हूँ, तो सोचा चलो चार साल हो चुका है गाँव आके, तो सोचा चलो एक छोटा सा ट्रिप कर ही लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग से मिलना था यहाँ पे, तो जस्ट आ गया। सो ये मेरा दूसरा दिन है गाँव में, तो कल मैं आ गया था। सोचा चलो एक छोटा सा जो भी कंपाइलेशन टाइप वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं जो भी कर रहा हूँ गाँव में आके वो दिखाऊंगा। तो ये जो दिख रहा ना, ये एरिया, ये है मेरा रूम। मतलब मैं जब भी आता हूँ गाँव तो यहाँ पे रहता हूँ। सेम मेरा घर नहीं है ये, एक्चुअली एक बोल सकते हैं ना लाइक फैमिली घर है, यहाँ पे सब रहते हैं एक साथ। पिछले तीन चार दिन से ना बारिश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश है। सो कहीं ज़्यादा बाहर कैमरा लेके जा नहीं पा रहा, ऐसा भी सीन है। लेकिन मैं जितना भी हो सकता है यहाँ पे उतना सा पार्ट तो मैं दिखा ही सकता हूँ, ये सोच के मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। गाइस जस्ट मैं आया हुआ अभी मेरा एक एंसेस्टर होम आई कैन से, जो एक्चुअली बताया जा रहा है कि अराउंड 200 साल तो पुराना होगा। ओके सो दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। सी कैसा रोड से जाना है अभी, और बारिश गिर रहा है यार, कितना मस्त रोड दिख रहा है यार। ये देखो भाई, वाव जा रहा है उधर। ಶಿಟ್ ಮಳೆ ಬೇಯನ್ನು ಬಹುತ್ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗ್ಯಾ। This is ASMR video guys। Wow। Oh। इतले एता वीड दिस। हाँ तो गाइस ये है वो घर जो मैं बता रहा था, जो अराउंड 200 साल तो पुराना होगा। सी वहाँ पे मेरा दादी का मम्मी को रखा गया है, तो स्मारक बोल सकता हूँ मैं उसको एक। सो ये है घर, एंड वो जो दिख रहा है दैट्स किचन। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है लाइक जिस तरीके से वुडन ये बना है थ्रू आउट द किचन। वाओ सो अभी जस्ट थोड़ी देर में अंदर का पार्ट दिखाता हूँ। ओ यहाँ पे लाइट नहीं है एक्चुअली। सी रूम। ओके एक छोटा सा रूम दिख रहा है। इधर रिनोवेशन ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? पुराना घर अभी तो वापस सब घर हो चुका है।
बट ये है छोटा सा रूम। आई होप, अरे कैसा दिखाऊं, एक देना देखो। इसका ऊपर देखो कैसा बना है, पूरा वुडन, पूरा रूम ही वुडन है। एंड सी यहाँ पे छोटा सा शेल्फ जैसा है। एंड वो आई गेस यहाँ से जा भी सकता है दूसरा रूम। हाँ तो यहाँ पे एक दूसरा रूम है जिसका छोटा सा दरवाजा है। मैं आई मीन सी कितना छोटा दरवाजा है और उसको भी कवर किया हुआ है। सो वाओ, अदन दुआ ओ लुक एट दैट ओल्ड आर्किटेक्चर। और पूरा ऊपर ऐसे ही है। और यहाँ पे ओके, ओ लुक एट दैट, आई गेस यहाँ पे कुछ था जो बंद किया है। बाकी रूम छोटा है। फ्लोरिंग देखो कैसा है। अच्छा ये वही रूम है जो वहां से दिख रहा था। ओके ओ ए इधर आओ ना, सी मस्त है दे? वो देखो, लुक एट दिस, ओके सो यहां से ऊपर भी जा सकता है। लाइट नहीं है यार, वरना दिखाता अच्छे से। बाकी गया सी आगे है किचन। सो यहां से थोड़ा सा आगे ही किचन हो। सो ये है वो, थोड़ा एक मस्त पैसेज बना है, देख रहा। तो ये पुराने घरों में होता था, अभी नहीं होता है यार। अरे शो यू द किचन है सर, बट क्या दिख रहा है यार, सी क्या हुआ, क्या हुआ रे? नहीं आ रहा यार, कोई नहीं आ रहा है, मैं अंधेरा है पूरा। सी वाओ, देख रहे हो गाइस। सो ये है आपका किचन। सो यहाँ पे पहले लकड़ा वगैरह रखता था एंड यू नो उसके ऊपर बॉयल करते थे, तो ऑब्वियसली। और ऊपर देख रहे, ऊपर नहीं दिख रहा यार, ऊपर भी मस्त दिख रहा है वैसे। सिक उस साइड ये ना, ओह इतना हॉरर है यार ये। देख रहे हो, ऊपर आप चलो आगे। हाँ तालिया, हाँ हाँ फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, वाओ लुक एट द विंडो गाइस। ये कम से कम रहेगा ना 100 साल तो पुराना रहेगा राइट, आराम से। आजकल नहीं बनता शायद ऐसा कुछ। एंड दैट इसके अंदर जा नहीं सकता, नीचे देख रहे हो। हाँ 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 इसके अंदर भी जा नहीं सकता क्योंकि इतना ये नहीं है। इसके अंदर जाने हो रहा द सिचुएशन इज बहुत डेंजरस। वो एक आईना है, वो थोड़ा क्रीपी है।
बट लुक एट दैट, यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। वाह एक नंबर आर्किटेक्चर है वहाँ। स्टेप से कितना डेंजर है भाई। तो पहले के टाइम पे भी एक फ्लोर का घर था यार, जस्ट इमेजिन। वो भी वो लोग कैसे बनाया, पूरा वुड का बनाया देखो, थ्रू आउट द वुड। मस्त। तो दिस इज द एग्जिट व्यू। तो ओवरऑल देखा है तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस। तो अंदर लाइट नहीं था यार, वरना थोड़ा और अच्छे से दिखा सकता था। बट ये जो अंधेरा वाला पार्टी है ना, वही थोड़ा इसको एक पुराना टच देता है, इसलिए वैसे रिकॉर्ड किया। बाकी मैं कैमरा लेके आया था, वो किसी काम का नहीं आया यार यहाँ पे, क्योंकि इतना बारिश है यहाँ पे कि ड्रोन भी उड़ा नहीं सकता था, तो वो भी नहीं उड़ाया। बट एक और जगह है दिखाने के लिए थी, जहाँ पे एक और रूम है, वो भी दिखाता हूँ मैं जस्ट थोड़ी देर में। फुल नेक्स्ट लेवल बारिश हो रहा है गाइस। अभी मैं एक रूम दिखाना बाकी है, वो दिखाता हूँ, जो है जहाँ पे रखा है हमारे एंसेस्टर्स को। ये एक्चुअली रिनोवेट किया गया है, तो ठीक ऐसा रूम है। ये पैर वाला पार्ट, ओके मेडिटेशन। इधर अंबाला ओके। ओ ओके ओके। तो उनका श्राइन है राइट। ओके तो इसमें लिखा है इनका डेट जिस दिन मरा हुआ है एक्चुअली। सो मलयालम कैलेंडर के हिसाब से लिखा है कुछ। वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई मीन गाँव आके, मतलब या मैं तो पहली बार देख रहा था, तो या अच्छा। तो बाकी यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर पे। सो गाइस मैं यहाँ पे ना एक स्कूल पे आया हूँ, तो यहाँ का स्कूल कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सी वहाँ पे पीछे ना एक्चुअली एक बर्ड का केज है बड़ा वाला, वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना एक पूरा केज बनाया है जिसपे अंदर पूरा लव बर्ड्स है। सी पूरा लव बर्ड्स नीचे। यहाँ पे स्कूल बसेस और ये है एक्चुअली स्कूल। तो यहाँ पे मेरा कजिन सिखाता है, ये है क्लासरूम और डोरा वगैरह है। सो ये एक्चुअली हॉल भी है, तो जब मीटिंग वगैरह होगा तो इसे हॉल में कन्वर्ट करते। तो यही एल के जी का है, एल के जी क्लासरूम। कितना बड़ा है सी। तो ये है क्लासरूम, देखो कैसा दिखता है ना, कलरफुल रूम है यार। सी ये थर्ड स्टैंडर्ड का क्लासरूम है। एंड से नो टू ड्रग्स। एंड ये पूरा हॉलवे है, पूरा हॉल है बहुत बड़ा, थर्ड फिफ्थ फोर्थ एंड ऑल। सो यहाँ से ना गाइस वो देखो, वहाँ पे एयरपोर्ट भी दिखता है, फिर वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग है, एंड वहाँ पे दूर मेरे को प्लेन भी दिख रहा है। सो ये है टेरेस व्यू, कितना सुंदर है मैन। सो यहाँ से भी निकलता हूँ, अभी घर जा रहा हूँ सीधा यहाँ से, क्योंकि बहुत बारिश हो चुका है। तो गाँव में एक छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा सा है, तो सोचो आके देख ही लेता हूँ वैसे। तो ये देखो ये जो पानी जा रहा है ना, यही है एक्चुअली मैं वाटरफॉल, मतलब यही से स्टार्ट हो रहा है वैसे। तो क्योंकि अभी बारिश है यहाँ पे, बहुत गंदा बारिश है यार, तो मैं जैसा यूजुअल वीडियो बनाता हूँ वैसा नहीं बना पा रहा। ओ देखो पानी मस्त लग रहा है यार। पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही बारिश गिर रहा था, तो पानी तो है, नेक्स्ट लेवल पे पानी है।
तो गांव में आने का यही मजा है यार। गांव में आके मतलब बहुत ग्रीनरी और सीनरी देखने को मिलता है। बस बाकी थोड़ा बारिश है जिसमें मैं DSLR बाहर निकाला हूँ, उसका पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो वीडियो आने के बाद ही समझेगा आप लोगों को। बट विजिट इन केरला इज अ मस्ट यार, वो भी स्पेशली रेनी सीजन में। डू विजिट मैट। ये घर बन रहा है फिलहाल घर, तो ये मेरे सबसे बड़े पापा का घर और वो बीच वाले पापा का घर एंड ये मेरा पापा। मेरा पापा सबसे छोटा है तो या ससी। वाह बैठी है मेरा दादी और वो दादी है 102 years old। कितना 102, कितना मस्त लग रहा है सी। तो यही है जहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको अपना एंसेस्टर होम बोल सकता हूँ, जहाँ पे उन तीनों भाई रहते हैं जब भी आते हैं गांव में। तो सी तो ये है मेरा दादी सी। सो ये मेरा घर का यू नो पीछे वाला पार्ट है, आई मीन जहाँ बैक साइड। तो यहाँ पे ऐसे एक स्टोर रूम जैसा है सी, जहाँ पे पूरा साल भर का स्टॉक मिल जाएगा इन वुड्स। यहाँ पे ना वुड का भी ये होता है, स्टव होता है, तो इसके अंदर वो सब भरा हुआ है सी। सो एक काइंड ऑफ शेड है और यहाँ पे जब बारिश नहीं होता तब यहाँ पे कुकिंग भी करते हैं विद पत्थर यू नो। तो ये है किचन वाला साइड, पुराना घर है एंड वहाँ पे कुआ है सी। एंड ये भी स्टॉक है किसका, कोकोनट का। और बाकी वहाँ पे कुछ तो उगाया गया है एंड वहाँ पे एक शेड है वो भी दिखाता हूँ यार, तो चलना मुश्किल है मैन। बाकी सी कुआ दिखाता हूँ, इतना पानी है, इतना ऊपर तक पानी है मैन। छोटा कुआ है बाय द वे, बट है पानी है सी। पहले ना इतना ये नहीं था इधर, क्या बोलने का, झाड़ ये सब अभी अभी आया है इतना। पहले एकदम खाली था, ऐसे एक रूट था यहाँ पे और यहाँ पे ना गाय भी था पहले, अभी तो गाय भी नहीं है यहाँ पे। और इसके अंदर ना मुर्गी पालते थे, फिर शायद कुत्ता भी पालने लगे थे, बाकी कुछ नहीं है यार, बाकी ऐसी है सब। और पीछे ना यहाँ पे वो वाला पार्ट भी है, वहाँ पे खेती वगैरह करते थे हम लोग मतलब जहाँ हमारे जो फैमिली वाले हैं वो लोग, हम लोग तो कुछ भी नहीं किया भाई। यहाँ पे देखो ऐसे बड़ा बड़ा होल्स हैं जिसके अंदर साफ हो सकता है, आई कांट से बट सी। यहाँ पे ना एक्चुअली एक रोड था पूरा जो थ्रू आउट ऐसा पूरा उस पार तक जाता था, उधर देखो उधर एक रोड है और यहाँ से भी ऐसे एक रूट था जो वहाँ पे जाता है। वहाँ पे ना एक कुआ है, देखो वहाँ पे एक मोटर जैसा दिख रहा होगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा कुआ था बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी जा नहीं सकता वहाँ पे क्योंकि साफ हो सकता है। बाकी ड्रोन से मैंने ये व्यू दिखाया है, वही व्यू है ये देखो। यहाँ से भी एक रूट है जो पहले लोग चल के आते थे, पहले ना ऐसे रूट से जाते थे लोग ऊपर ऊपर तक। तो ये जो दिख रहा है यहाँ तक बाउंड्री, यहाँ तक अपना जगह है। सो वो रहा मेरा घर जहाँ पे नया बन रहा है घर सी वहाँ पे। अभी ना मैं इसके पीछे वाला पार्ट पे दिखाता हूँ, पीछे ना जंगल है वहाँ पे दिखाता हूँ कौन सा वो वाला पार्ट, ऊपर जाके देखता हूँ कि जाने होगा कि नहीं दिखाता हूँ ठीक है। बाप रे जिस लेवल का जंगल है ना यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है सांप। पहले तो यहाँ पे यू नो वो क्या बोलते उसको फॉक्स वगैरह होता था, अभी तो बाजू में घर भी आ गया, पहले तो कुछ नहीं था भाई, पूरा जंगल था, पूरा जंगल। ये ना ऊपर तक है, ये जो दिख रहा है इससे भी बहुत ऊपर है। और यहाँ पे ना जाड़ों में बड़े बड़े स्पाइडर्स मिलते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल के स्पाइडर। यही कहीं पे ना मेरा दादाजी को भी रखा है, आई एम नॉट रॉन्ग यही पे शायद, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। वाह देखो वो घर है, तो संभाल के चलना पड़ रहा है।
थोड़ा एक और स्टेप जाके देखता हूँ ऊपर, कुछ दिखा तो ठीक, पर बिना सपोर्ट का इधर चलना इट्स टू रिस्की मैन। लुक एट दिस, पूरा जंगल है, मतलब मैं रैंडमली चल रहा हूँ। छोड़, इतना रिस्क नहीं लूँगा मैं, निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी इतना मेंटेन्ड एरिया नहीं है, पहले था ये, अभी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ना एक कैनाल भी है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं जरा। सी मैं ब्रिज के ऊपर ही खड़ा हूँ और सी पीछे पानी एंड इस साइड भी पानी, बहुत मस्त व्यू है यहाँ से। यहाँ से ना मस्त ड्रोन व्यू आता था यार, लेकिन बारिश इतना है कि ड्रोन का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हमारे घर के पास ना एक मंदिर भी है, सी वहाँ पे एक झाड़ भी दिखेगा। यहाँ से जाना था बट यहाँ से रूट नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ कि अल्टरनेट रूट क्या है। सी अब हुआ ऐसा है कि यहाँ पे एक डैम है, पर्शी डैम करके, सो उसका जितना भी वॉल्स था सब खोल दिया है, तो इसलिए इतना पानी जा रहा है इधर उधर से। तो अभी ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम, मस्त लग रहा है। ठीक सामने मंदिर, फिलहाल कोई नहीं है, और मंदिर कैसा शाम को ही खुलता है रे, तो दिन में ये टाइम पे दोपहर को सब कोई नहीं दिखेगा। सो क्या बोलता है आई डोंट नो, बट ये आई गेस पीपल का ट्री है, एंड हमारा घर यहाँ से आगे जाना है। सो मंदिर का तो वीडियो दिखा नहीं सकता मैं, बट एक छोटा सा एक्सटीरियर ज़रूर दिखा सकता हूँ कि कैसा दिखता है मंदिर। सी एक बहुत बड़ा ये है लैम्प है, और ऊपर बहुत सारे भगवानों का फोटोज़ लिया है, वो सब इसमें नहीं दिखेगा बट है। तो अभी मैं आया हूँ मेरे मम्मी के घर पे, तो यहाँ का एक छोटा सा टूर दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। Where are you going? अरे देखो यहाँ पे एक ऐसा फ्लावर दिख रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन मम्मी को ये सब नो मम्मी के पूरा फैमिली को ये सब उगाना पसंद है यहाँ पे। यहाँ पे शो फ्लावर भी है। अरे जो झाड़ दिख रहा है ये है इसका पेरू का, पेरू का झाड़ है। और वहाँ पे एक है जैक फ्रूट का झाड़। बाकी ये जितना भी दिख रहा है सब कुछ ना कुछ छोटा छोटा फ्लावर्स वाला ही झाड़ है।
एंड सी कितना मस्त कलरफुल एरिया है। और एक झाड़ दिखाता हूँ, यहाँ पे चीकू का झाड़ है सी, ये तो पहले बहुत था यहाँ पे, बट फिलहाल कुछ नहीं रहा है। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो नया घर बन रहा है उसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ओके चलो। ओके सो जस्ट एंट्री लेते ही यहाँ पे एक छोटा सा रूम जैसा है, जहाँ से ऊपर स्टेयरकेस दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आई गेस एक रूम है, आई डोंट नो, मेरे को अभी तक पता नहीं प्लान कैसा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक बेडरूम है और उसका अटैच्ड बाथरूम यहाँ पे है, एंड यहाँ पे भी एक बेडरूम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये मे भी किचन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि मेरा प्लान के हिसाब से मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैं जस्ट आया हूँ, प्लानिंग सब जो भी है बाकी लोग देख रहे। एंड अभी ये है इंटीरियर। ओके सो इंटीरियर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मेरे को बहुत सही लगा, आई कैन लिटरली यू नो मेक दिस प्लेस, मेरा पूरा एक अड्डा बन जाएगा यहाँ पे। सो वहाँ से एंट्री है, आई एम नॉट रॉन्ग, ये कौन सा रूम है आई कैंट एक्सप्लेन इट, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं है क्या है। सो ये मैं फर्स्ट फ्लोर है, एंड फर्स्ट फ्लोर पे है ऐसे बालकनी सी, और वही रूम है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं सी, मैं भी वो रूम में रह रहा हूँ ऊपर। एंड इतना बड़ा बालकनी है यहाँ पे, यहाँ पे बाद में ना ऐसा रेलिंग लगा देंगे जो भी है। यहाँ पे एक अटैच्ड बेडरूम है सी, बेडरूम और एक बाथरूम वहाँ पे। एंड ये एक मस्त बैठने जैसा एरिया है, एंड यहाँ पे एक विंडो आएगा, एंड यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी है सी, वाह। और उस साइड पूरा खेती, और ये बालकनी व्यू, कितना मस्त लग रहा है ना। एक विंडो भी है यहाँ पे, तो जो ऊपर वाला रूम है वो मेरा ही होगा। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कितना सही लग रहा है, राइट। सो या गाइस, ये है मेरा नया बनते हुए घर। सो अभी तक तो मैं यू नो अभी तक से कंस्ट्रक्शन चालू है जस्ट, इसे बनते बनते एक दो साल तो लग ही जाएगा। तो मैं इससे कंप्लीटेड वीडियो तो नहीं बनाने वाला अभी फिलहाल, क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए हूँ गाँव में। सोचा चलो जितना अपडेट है उतना बता देता हूँ। बाकी छोटा सा फोजीजा रूम है यहाँ पे सर, और बहुत सही बना है यार अब तक मेरे को जो फर्स्ट फ्लोर है बहुत सही लगा। मैं इसको, हो सके तो क्या पता मैं इसको आगे जाके एक स्टूडियो भी बना सकता हूँ मेरा यूट्यूब के लिए, बट मेरा गांव में रहना, नॉट श्योर मैं यहाँ पे सेटल होगा क्या कभी। नो मे बी रेयरली, कभी मैं इसको ऐसे यू नो जो भी है देखा जाएगा कि फ्यूचर का जो भी है। बट बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इतना मस्त व्यू है, ऐसी खेती है यार, ये वही खेती है जो मैं ड्रोन व्यू में दिखाया था आप लोग को। बाकी क्या, यहाँ पे हर टाइम बारिश रहता है यार, बारिश आई मीन बारिश में केरला इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जैसे लोग माथेरान मतलब यू नो वो साइड जाते हैं जैसे महाबलेश्वर साइड, तो उससे ज़्यादा ग्रीनरी होता है यहाँ पे। सो ये तो फिर भी नॉर्थ केरला है, जो मुन्नार वगैरह है एकदम साउथ में आता है, ये तो कन्नूर में है हम। सो या कन्नूर में भी इतना ग्रीनरी है। सो होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं पहले बार ऐसा कोई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ और पर्सनली मैं ट्रैवल ऐसा बोल सकता हूँ मैं इस वीडियो में। इसकी आगे इसका आदत रख लूँ क्योंकि आगे जाके ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं मोस्टली। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कुछ नहीं यार, बस लाइक कर देना, दैट्स ऑल। और या कुछ नहीं।